कसरावत में नवनिर्वाचित सरपंचों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सरपंच संघ का गठन भी किया गया। सम्मेलन में ब्लॉक के ग्राम पंचायतों के सरपंच शामिल हुए। कार्यक्रम में सर्वसम्मति से नवीन सरपंच संघ की कार्यकारिणी गठित की गई। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों का सम्मेलन में उपस्थित सरपंच ने माला पहनाकर सम्मानित किया एवं दीपावली मिलन समारोह रखकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। बैठक में मुख्य अतिथि जिला खरगोन जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि बंटी तंवर थे। बैठक में सर्वसम्मति से नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सरपंच संघ का अध्यक्ष पद पर संतोष अकोले सरपंच ग्राम पंचायत सेलानी को चुना गया। इस अवसर पर राजेश तंवर भिलगांव, पूर्व विधायक आत्माराम पटेल, मांगीलाल गाड़गे, दीपक पटेल सहित सरपंच, जनपद सदस्य आदि शामिल थे। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट है। इसका क्या उद्देश्य रहा है और दीपावली मिलन समारोह इसमें क्या क्या है? क्या है, दीपावली के बाद क्योंकि अभी 2-3 महीने पहले पंचायत के चुनाव हुए और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरपंच इस बार जनपद पंचायत कसरावत में प्रचंड बहुमतों से और अधिक से अधिक संख्या में जीत करके आए। हम सब सरपंच लोग यहाँ पर और जनपद के सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत के अध्यक्ष जी भी सब इकट्ठे हुए हैं और सब लोग मिलकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो एकात्म मानववाद का जो विचार है उसको जमीन तक उतारने के लिए हम सब संगठित होकर के सरपंच संघ के माध्यम से हमने अपने संघ के सरपंचों के संघ के अध्यक्ष के रूप में हमारे संतोष भाई अकोले जो सेलानी के सरपंच है इनको भी मनोनीत किया है और जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, सरपंच संघ के अध्यक्ष जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष जी, हम सब लोग मिलकर के और सारे सरपंच लोग मिलकर के इस कसरावत क्षेत्र का चहुमुखी विकास कैसे हो इसका संकल्प लेकर के आज हम सब यहां पर इकट्ठे हुए। अच्छा, सबकी सहमति से अध्यक्ष बनाया गया क्या? यहां पर जो है करीब 65 सरपंचों की सहमति से संतोष भाई अकोले को सरपंच संघ का अध्यक्ष चुना गया है। सबके साइन है, सबके घर घर जाकर के साइन भी करवा के लाए और सब प्रोसीडिंग में सब लोगों ने साइन भी की। कोई विशेष कार्यक्रम आज था? हाँ, बहुत विशेष कार्यक्रम था, संगठन का दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था और आज हमारे भाई संतोष अकोले जी को सर्वसम्मति से सरपंच संघ का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष महोदय ने भी आश्वस्त करा है कि हर सदस्य के लिए पूरी मजबूती से काम करेंगे और सबकी समस्याओं का समाधान हो ऐसी रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे और चहुमुखी विकास की ओर जिले को, प्रदेश को ले जाने की भरसक प्रयास किया जाए। आज कोई दीपावली मिलन समारोह भी रखा जाए साथ में? दीपावली मिलन समारोह भी था, सभी को भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिले ऐसी भावना कामना थी सबकी और सबको हृदय से दीपावली की शुभकामनाएं दी और आपस में हमारा प्रेम बना रहा है, सहयोग बना रहे और हम मिलजुल कर प्रदेश के नव निर्माण के लिए काम करते रहे ऐसा मंथन गोष्ठी भी थी और भोजन प्रसाद भी थी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।